Hello, assalamu alaikum to all of you. Welcome to Preweb solution. Mera naam Saad Tanveer hai aur hum is Opencart ki series ke second tutorial ki taraf aa rahe hain. Aaj is tutorial mein main aapko Opencart ki directory structure bataunga. Main isko pehle explain thoda sa kar chuka hu aap logo ko apne first tutorial ke andar ki actually mein hum isko kyu shuru kar rahe hain aur iska kya maksad hai. और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम उसकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखेंगे कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ओपन कार्ड का किस तरह है और उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे. जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ओपन कार्ड के अंदर आप MVCL मॉडल यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर एंड लैंग्वेज. तो हम आज इन सारे फोल्डर्स को स्टडी करेंगे, मतलब इनका मकसद क्या है और ये क्यों रखे गए हैं और हमारा थीम डिवेलपमेंट के हवाले से किन किन फोल्डर के साथ रिलेशन है और किन किन फोल्डर के साथ रिलेशन नहीं है. तो हम उस चीज़ को शुरू करते हैं. सबसे पहले अगर आप ओपन कार्ड को डाउनलोड करेंगे, और मैंने आपको पहले ही बताया था जिस वर्जन को हम शुरू कर रहे हैं थीम कस्टमाइजेशन के अंदर, वो है 2.3.0.2 और आजकल जो स्टेबल वर्जन है वो 3.0 भी है, पर वो हम नहीं करेंगे. उसकी वजह ये है कि हम एक्चुअल में वो एंगुलर जे एस के अंदर है और ये सिंपल जो है ना उससे कह सकते हैं आपके सिंपल है और सेकंडली इजी है. इस वजह से हम पहले इसको करेंगे और उसकी तरफ भी हम इंशाल्लाह मूव ऑन करेंगे. कोई डायरेक्टरी सेम ए टू जी चीज़ें सेम होती हैं, पर ये कि सिंटैक्स में और थोड़ी लॉजिक में चेंजिंग आ जाती है जिसकी वजह से डिफ़िकल्टीज आना शुरू हो जाती हैं. तो इंशाल्लाह हम उसको भी देखेंगे, पर उससे पहले हम आज इसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को ओपन कार्ड के स्टडी करेंगे. तो अगर हम इसके ओपन कार्ड के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखें तो इंटरफेस टाइल्स दो तरह के होते हैं, ठीक है. एक होता है फ्रंट एंड और एक सेकंड होता है एडमिन. अब ये जो एडमिन का फोल्डर है ये आपका एडमिन की जितनी भी आपको उसके अंदर कस्टमाइजेशन या एडमिन की जो भी फीचर्स नज़र आएंगे वो ए टू जी इस एडमिन फोल्डर के अंदर मौजूद होते हैं. और सेकेंडली जो कैटलॉग है इसके अंदर आपकी सारी की सारी थीम्स होती हैं और इस इमेज फोल्डर के अंदर आप जितनी भी फाइल्स अपलोड करते हैं वो सारी की सारी इमेज फोल्डर के अंदर होती हैं. उसके बाद इंस्टॉल फोल्डर, एक्चुअल में ये इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ होता है जब आप ओपन कार्ड का इंस्टॉलेशन करते हो, जिसको हम बाद में देखेंगे और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ओपन कार्ड को जो है ना इंस्टॉल करना सीखेंगे और उसके बाद हम इसको जो है ना इसकी कस्टमाइजेशन और डिफ़ॉल्ट थीम से हम किस तरह जो है ना अपनी कस्टम थीम पे आ सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. फिर उसके बाद सिस्टम है, इसके अंदर एक्चुअली सारी के सारे क्लासेस और मेथड्स होते हैं जो कि एडमिन और ये कैटलॉग ये दोनों फोल्डर यूज़ कर रहे होते हैं. उसके बाद ये HTSS फाइल है, ये एक्चुअल में आपकी जो है ना अपाची सर्वर फाइल होती है जो आपकी वेबसाइट की जो सारी कह सकते हैं कि सर्वर की जो सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं या जो भी आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मतलब किस HTTP पे वो रीडायरेक्ट हो ना हो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी. मतलब अपाची की होती है, सर्वर की होती है जिसके थ्रू आप उसकी कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं. उसके बाद इस कॉन्फ़िग के अंदर आपकी सारी डेटाबेस की इंफॉर्मेशन आती है प्लस आपकी सारी की सारी ओपन कार्ड की डायरेक्टरीज़ के जो नाम होते हैं, चूँकि ये जनरलाइज प्लेटफॉर्म है उस वजह से उन्होंने इसको ऐसा कॉन्फ़िगर किया हुआ कि जब भी आप इसको अपने लोकल होस्ट पे या फिर अपने डोमेन पे इसको आप जो है ना अप्लाई करते हैं तो साथ ही आपकी ए टू जी कॉन्फ़िगरेशंस ऑटोमेटिकली कर देता है इंशाल्लाह, उसको भी हम देखेंगे. उसके बाद index.php है और ये आपकी सारी URL रीडायरेक्शन के लिए यूज़ होती है. php.ini है, ये भी सर्वर की फाइल है, इसका आपसे कोई फ़िलहाल लिंक नहीं है. इसके अंदर आपने सब सारी चीज़ें एक्सप्लेन की होती हैं कि कितनी मैक्सिमम साइज़ अपलोड होगा, कितना नहीं होगा, ये सारे के सारे मामले इसमें आप लिखे होते हैं, इसको आप व्यू कर सकते हैं. फिलहाल जो हमारा मकसद है वो है इसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखना. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा एडमिन पे अभी हम नहीं जाएंगे, हमारा काम एक्चुअल में इंटरफेस के साथ है जिसको हम कैटलॉग कह रहे हैं. कैटलॉग के अंदर आप जाएंगे तो आपको फर्दर फोर जो है ना आपको मिलेंगे फोल्डर्स और इन फर्दर फोल्ड लिखें वही बात आ गई MVCL वाली मॉडल व्यू कंट्रोलर, ओके. और अगर इसी तरह आप एडमिन में भी जाएंगे वो भी मैं आपको दिखा दूं तो सेम इज द केस विद एडमिन कि आपको एडमिन में भी वो चार
चीज़ें मिलेंगी। पर हमारा काम जब थीम डेवलपमेंट में आता है वो हमारा असल में काम फ्रंट एंड के साथ होता है और एडमिन के साथ भी होता है, जिसको हम बाद में व्यू करेंगे। फिलहाल जो हमारा मेन मकसद है, जो इंटरफेस लोगों को देना है, वो हमारा व्यू के साथ है। तो हम इस व्यू के फोल्डर के अंदर जाते हैं तो आपको दो फोल्डर इसके अंदर मिल रहे होंगे, जावास्क्रिप्ट के नाम से और सेकेंडली आपको थीम्स के नाम से। ठीक है, इस जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर क्या होता है, आपकी जितनी भी बूटस्ट्रैप बाकी सारी चीज़ें, मतलब कहने का मकसद ये है आपकी वो सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड हुई होती हैं जो कि आपके फ्रंट एंड के साथ कहीं ना कहीं इंटर रिलेट हो रही होती हैं। आपको फ्रंट एंड के लिए उनकी ज़रूरत होती है, तो वो तमाम ऐसे वेंडर्स से मुराद ये है, जिस तरह जेक्यूरी है, बूटस्ट्रैप है, डिफरेंट वेंडर्स हैं जो आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप उनकी सर्विसेज यूज़ करें। तो इसी तरह सेम आप क्या कर सकते हैं कि उन सब फोल्डर्स को यहाँ आप इंक्लूड करवा के अपने टेम्पलेट के अंदर इंक्लूड करवा सकते हैं। और थीम के अंदर आप डिफ़ॉल्ट के नाम से एक ऑटोमेटिकली चीज़ होगी, ये डिफ़ॉल्ट थीम हमारी जो इस वक्त मौजूद है वो डिफ़ॉल्ट वाली है, हम इसके अलावा भी क्रिएट कर सकते हैं। बहरहाल हम देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट थीम के अंदर हम क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं और हम क्या क्या उनको कर सकते हैं। अब यहाँ इस थीम के अंदर आप देखेंगे तो इमेज का फोल्डर आपको नज़र आ रहा है, एक आपको स्टाइल शीट का नज़र आ रहा है, आपको टेम्पलेट का नज़र आ रहा है। इमेज के फोल्डर के अंदर वो तमाम चीज़ें आएंगी, वो तमाम इमेजेस आएंगी जो कि आप फ्रंट एंड के लिए यूज़ कर रहे हैं। मतलब आप अपनी थीम के लिए जो भी इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, जो भी हर चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आप वो यहाँ उस चीज़ को रख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड है स्टाइल शीट के अंदर आपकी जो थीम की कस्टमाइजेशन मतलब CSS फाइल है वो यहाँ पड़ी हुई होती है। यहाँ ही आपकी जितनी बाकी, लेट्स सपोज मैं style.css में मेन्यू की नहीं रखता, मैं menu.css अलग रख लेता हूँ, तो मुझे वहाँ यहाँ उसको इंक्लूड करवाना पड़ेगा। आप यहाँ फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, आप यहाँ फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल क्रिएट कर सकते हैं, वो उस चीज़ का कोई इशू नहीं है। फिर आप अगर रहें टेम्पलेट के ऊपर, तो टेम्पलेट में आपको डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। एक्चुअल में टेम्पलेट है क्या चीज़ है, टेम्पलेट मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं और इस हर एक फोल्डर के अंदर रिलेटेड मल्टीपल टेम्पलेट्स पड़े हुए होते हैं। मतलब मेरा मकसद क्या बताने का, जो मैंने वर्डिंग बोली है उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने लगा हूँ। मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर हम लेट्स सपोज प्रोडक्ट को ओपन करें तो आपको यहाँ TPL फाइल एक्चुअल में एक ट्विंग लैंग्वेज है जिसमें ये सारी की सारी जो है ना आपकी कोडिंग लिखी जाती है और इसको ऑटोमेटिकली कंट्रोलर से व्यू पे भेजा जाता है। वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पे देखेंगे, पर आपने बस फिलहाल इतना याद रखना है TPL स्टैंड फॉर होता है ट्विंग लैंग्वेज। ठीक है, और इसमें ट्विंग में ही आप सारी जो है ना कोडिंग करते हो अपने, मुश्किल नहीं है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा उन्होंने ना चीज़ें सिंटैक्स को डिफाइन किया हुआ है और उसके साथ उन्होंने जो है ना सारी की सारी मतलब वेरिएबल पासिंग और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मतलब नॉट अ बिग डील कि आप इस चीज़ के लिए परेशान हो। तो मतलब आप देखें, प्रोडक्ट को मैंने ओपन किया तो प्रोडक्ट के रिलेटेड जितनी भी फाइल्स थी वो सारी की सारी ओपन हो गई हैं। मतलब देखें category.tpl कैटेगरीज रिलेट करती है, प्रोडक्ट कैटेगरी के साथ रिलेट करती है, प्रोडक्ट कंपेयर के साथ रिलेट करती है, प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरर भी आता है, प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरर लिस्ट भी आती है, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट इटसेल्फ भी आता है, प्रोडक्ट के रिव्यूज़ भी होते हैं, प्रोडक्ट को सर्च भी किया जाता है, प्रोडक्ट स्पेशल प्रोडक्ट्स भी होती हैं। तो कहने का मकसद ये है, एक प्रोडक्ट जो है वो इन इन चीज़ों के साथ रिलेटेड है, किन किन चीज़ों के साथ रिलेटेड है, वो सारी की सारी आपकी उस फोल्डर के अंदर आएंगी। इसी तरह अगर आप इधर मेल के फंक्शन में देखेंगे तो आपको मेल की मिलेंगी, एक्सटेंशन में भी आपने फ़िलहाल नहीं जाना। उसके बाद कॉमन के अंदर आप जाएंगे तो आपको कॉमन मिलेगा। अब इधर कॉमन में जाएंगे तो आपको ये यहाँ चीज़ आप देख सकते हैं कि header.tpl आपका पड़ा हुआ है, मतलब जो हेडर की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ मौजूद है। footer.tpl में आपको जो व्यू पे जो फुटर आ रहा है, मतलब जो फ्रंट व्यू पे आपका जो फुटर आता है वो इसके अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको हम फर्दर इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, पर फिलहाल सिर्फ आपको बताने का इतना मकसद था कि आप इन चीज़ों को थोड़ा गेट कर लें और परेशान मत हों,
कि डायरेक्ट्री क्या, डायरेक्ट्री स्ट्रक्चर क्या है और हमने कैसे काम करना है. हमारा सिर्फ जो काम है मेन फिलहाल वो थीम्स के अंदर जाके डिफॉल्ट. और याद रखिएगा, जब भी आप एक न्यू थीम क्रिएट करते हैं, लेट्स सपोज मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ और मैं इसको नाम दे देता हूँ न्यू न्यू अंडरस्कोर थीम. मैं इसको दोबारा कट करके यहाँ पेस्ट करने लगा. ओके, अब जब आपने थीम कस्टमाइजेशन की तरफ आना है, थीम डेवलपमेंट की तरफ आना है, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप अपनी थीम भी बना लेते हैं पर फिर भी आपने इस डिफ़ॉल्ट थीम को डिलीट नहीं करना. ये बात आपने बहुत ध्यान से सुननी है और उस पर अमल रखना है. अगर आप इस डिफ़ॉल्ट थीम को डिलीट कर देंगे तो आपकी कॉन्फ़िगरेशंस में इशू आएगा. इस वजह से जो थीम आप अब ये देखें, एक नई थीम क्रिएट हो गई है, जब हम इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे तब मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा कि अब ये मैंने जो फोल्डर बनाया है इसका फ्रंट एंड पे और जो एडमिन पैनल है उसके ऊपर क्या, एडमिनिस्ट्रेटर जो पैनल है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा. सिर्फ हमारा काम इधर से और यहाँ से आगे हमारी जो मेन न्यू थीम की फाइल्स होंगी वो यही होंगी, और सिर्फ हमने ये काम करना है कि हमारी जो रिक्वायर्ड CSS होंगी वो सारी की सारी हमने यहाँ रख देनी है, हमारी जो इमेजेस होंगी वो सारी की सारी हमने यहाँ रख देनी है, और उसके बाद जो हमारी टेम्पलेट्स के अंदर जो हमने चेंजिंग करनी है इन फाइल्स की, पहले मैं फुटर एक नया बनाना चाहता हूँ तो वो ये सारी की सारी headl.tpl में आके चेंजेस होगी. तो सिर्फ आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा था कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे होगा और हम कहाँ से शुरू करेंगे और इन सारे कम्प्लेक्स डायरेक्ट्री का क्या आपस में रिलेशन और क्या रिलेशन नहीं है. फिलहाल हम अभी फ्रंट एंड को देखेंगे. एडमिन की तरफ हम जाएंगे जब हमें मॉड्यूल्स चाहिए होंगे. ठीक है, मॉड्यूल्स जिस तरह वर्डप्रेस में प्लगइन्स होते हैं ना, आप उसी तरह कह लें कि इधर उसको मॉड्यूल्स कहते हैं हम, कि हर जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको हम डिफरेंट करके तो एक वेबसाइट पूरी कंप्लीट कर रहे होते हैं, वो आप मॉड्यूल कह सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. मैं आपसे आज फिर यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें अगर आप वाकई ही थीम डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, ताकि मैं भी इनकरेज होकर ट्यूटोरियल्स बना सकूं और आप भी इसको इनकरेज होकर लर्न कर सकें और इससे फ़ायदा हासिल कर सकें. थैंक यू सो मच और काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल. आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू. थैंक यू.